हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, डिनर डेट तो सबको ही लेके जाते हैं, इसलिए मैं जो सब करते हैं वो नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इसको आज लंच डेट पे लेके आया हूँ। तो हम लोग सोचे कहीं बाहर चलते हैं, बहुत दूर रौलकिला से बाहर, जहाँ भी मतलब गांव वाला फील आएगा, लेकिन खाना वाना खाएंगे वहाँ से जाके। तो हम लोग आए हैं कहाँ पे, ये है क्या जगह है, मनहरपुर साइड का है जगह। इधर है, कहाँ है वो, आगे कैसे क्या है वो दिखाएंगे, लेकिन अच्छा वाइब्स आ रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है और मस्त, मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर सजाया भी हुआ है, अच्छा अच्छा वो भी दिख रहा है। तो हम लोग सोचे यहीं पर आज करते हैं हमारा लंच डेट क्योंकि हम लोग का खाना था भात दाल चावल, ऐसे ही कुछ और खाना। ऐसे ही वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे में तो मैं कुछ गिफ्ट देने नहीं सकूंगा, इसलिए इसको भात खिला के भेज दूंगा। भात खिला के ठग रहा है, तो ठीक है चलिए। और हाँ, ये जगह का मतलब ये ढाबा का नाम है नारायण ढाबा, और ऐसे बोला जाता है कि ये रास्ता का फेमस ढाबा है। तो ठीक है, देखते हैं आज मुझे ये क्या लंच डेट करवाते हैं। भात दाल खा के खाली तो नहीं फिर, नहीं बासी भात तो नहीं खिलाओगे, ऐसे मत करना, कुछ तो मैं खाएंगे। बासी आदमी हूं। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या खाते हैं। ये रहा वो ढाबा, हम लोग आए हैं, यहाँ पे नारायण लिखा हुआ नहीं है, इधर लिखा हुआ है नारायण ढाबा। और इधर देख सकते हो, इधर धान चास करते हैं, खेत के बीच में एक्चुअली है ये ढाबा, और मस्त दिख रहा है, बनाया भी हुआ है। और इधर है रास्ता है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, शायद लाइट सब भी लगा है, रात को अच्छा लगता है। और फ्लैग उड़ा रहे, तो ये सब मैं लगवाया हूँ तुम्हारे लिए स्पेशली। देख सकते हो यहाँ पे टोकरी लगा है, यह तो ठीक है चलिए लेके चलता हूँ। चलो, पर है हमारा प्यार तो पूरा ना हो गया है, तो कौन हाथ पकड़ के लेके जाएगा। चलो ऐसे ही खुद जाना पड़ता है। एंड गाइस, मैं इसके लिए बुक कर दिया हूँ ये वाला झोपड़ी। झोपड़ी नहीं है भाई, देख रहे हो, डेकोरेशन। डेकोरेशन तो, और देख सकते हैं हम दोनों के लिए, ओह हम दोनों के लिए दो चेयर लगा दिए हैं। हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम लोग का होगा डिनर डेट, डिनर नहीं लंच डेट, और एडवांस में वैलेंटाइन डे। मतलब वैलेंटाइन डे के दिन में कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो मेनू देखना है, हम लोग को पहले से ऑर्डर कर दिए थे, मेनू नहीं है। ठीक है, सरप्राइज रहेगा तुम्हारे लिए आज, क्या आएगा पक्का, ये बासी बहुत ऑर्डर किया। देख पानी भी, दो ग्लास भी है। हाँ, यहाँ सभी हम लोग बैठ गए हैं अपना ओपन डाइनिंग में, और देख सकते हो यहाँ का आउटडोर बहुत मजा आ रहा है। तो तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब अच्छा आ रहा है, देसी देसी फील हो रहा है, देसी देसी वाला फील हो रहा है, देसी देसी नहीं चल देसी उसी लेकिन भांगड़ी तो ये तो आइस लांगड़ी चलेगा, अच्छा वाला मतलब लग रहा है, सराउंडिंग भी अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत दिन बाद आए हैं डिनर है, लंच करने के लिए। बोल रहे हैं ना, मतलब डेट होता है तो वो डिनर डेट ही एक्चुअली होता है ना, तो हाँ हम लोग का इधर रात में शायद अच्छा फील होता है, जैसे यहाँ पे लाइट उड़ लगा है, लेकिन हम लोग लंच में आए हैं तो अच्छा ही डाइनिंग होगा शायद। तो कुछ एक गाना वाना गाओ, उस खुशी में इतना प्यार से तुमको लेके आया हूँ। क्या गाना गाएंगे आप, गाना बताओ फिर गाते हैं। मेरे चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। इधर आदमी लोग बैठे हैं, लोग पागल से। हाँ, दो पागल मिल बैठे हैं यहाँ पे। पर हाँ, एक बात मैं बताऊँ, ये कभी मुझे डिनर या फिर लंच डेट पे कभी लेके नहीं जाते हैं, पहली बार लेके। अरे सब दिन तो साथ में खा रहे हैं बैठ के वहीं पे, तो वही तो हो गया। हाँ, वो भी है, वही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बाहर खाने आए हैं। हाँ। तो ऑर्डर कब आएगा पता नहीं, हम लोग वेट किए हैं बहुत देर हो जा रहे हैं, कर दिए हैं पर नहीं, भागेंगे कैंसिल। सो गाइस, हम लोग का खाना तो अभी नहीं आया है, लेकिन खाना आने तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बोले मैं दिखा देती। तो हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक ऐसे बैठने के लिए है, मतलब शायद पर्सनल स्पेस होगा इधर पर, लेकिन सब कुछ रिवील होगा, पूरा सब खुला है, मतलब थोड़ा सा छुप छुप के खाने नहीं सकोगे। यहाँ भी बैठने के लिए है, और उधर भी आप लोग देख सकते हो, उधर सामने में भी है बैठने के लिए, हम लोग का जैसे था वैसे ही सामने में भी है, इधर बाहर में भी शायद चेयर लगाया हुआ है, और उधर अंदर में भी है। एंड अंदर में सर किसी को बर्थडे पार्टी चल रहा है, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे केक खाने, तो नहीं जाएंगे नहीं तो नहीं देंगे केक खाने, मतलब क्या। तो जाओगे तो अंदर जाके वो लोग को लूट के खा देगा, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे बोल के खा देगी। और हम लोग को कुछ देखा यहाँ पे, यहाँ पे पूरा मतलब जंगल में है जैसे लग रहा था ना, तो ये रहा रैबिट, असली वाला रैबिट है, जंगल से आया है क्या? नहीं शायद पाले होंगे, रखे होंगे, नहीं नहीं जंगल से आया, जंगल से है। तो इसके लिए कुछ देखने को मिल गया, तो इसके लिए कुछ लाए हो? मैं घास देने जाऊँ, घोड़ा को घास डालते हैं, कहाँ रुको अभी देखते हैं दीपिका को पहचानती है कि नहीं। ओ
मतलब ये जाना पहचाना है। फिर अभी दीपिका इसको चुपचाप से पकड़ लेगी और कार में रख देगी। सुने भी कह रही है। चपते नहीं है ये लोग तो। चपते हैं, दांत देख बड़े बड़े हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग का आ गया लंच। तो लंच में है हम लोग का क्या है, चिकन फ्राइड राइस, मिक्स राइस, ऐसे कुछ है। और खुद का डेट में खुद सर्व कर रहे हैं। क्या है, हम ही लोग तो खाएंगे इसलिए खुद। और देख रहे हो दीपिका का मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा क्यों होता है यार? तो आप लोग का मुंह में क्या पानी आ रहा है? मतलब मेरे को खाना कहीं भी दे मुंह में पानी आ जाता है। तो दुनिया में तुम खाली खाने के लिए आए हो। और हाँ, उसके साथ हम लोग ये भी मंगाए हैं, मशरूम चिल्ली फ्लावर। मशरूम चिल्ली, अच्छा मशरूम चिल्ली और फ्राइड राइस, बस इतना ही। छोटा बजट है गाइस। तो दीपिका कर दी सर्व, जिसको हम लोग सादरी में बोलते हैं बांट दी। तो देसी खाना खाने हैं, मतलब देसी वाइब्स ला रहे हैं, तो देसी स्टाइल में ही बात करना चाहिए ना। तो ठीक है, टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। अगर पर गरम गरम है ना, डेट डेट लग रहे हैं, वैलेंटाइन डेट जैसे लग रहे हैं। यू आर माई वैलेंटाइन। जब भी हम लोग खाना खाते हैं मुझे डेट ही लगता है। कौन सा डेट? तो आज कौन सा डेट है? 26 जनवरी। सो गाइस मैं खा रही थी, उसी बीच में ये मुझे बोले कि मेरा भी बनाओ, ऐसे बोल रहे। तो मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखता हूं यहां का कैसा है। हां, और इतना स्टाइल से कैसे खा रहे हो? और पहली बार लाइफ में मैं इसे फोर्क और चम्मच से खा रहा हूं गाइस। औकात देख रहे हो मेरा? कहां हाथ में खाने वाला इंसान चम्मच में खा रहा है। देखते हैं, ट्राई तो बताओ, इतना स्टाइल से कौन खाता है यार? वीडियो बन रहा है ना, टेस्टी बना है। हां अच्छा लगा। बस ये मशरूम थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है, मतलब हम लोग का स्पाइस टॉलरेंस शायद उतना नहीं है, पर हाँ अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा है। नहीं, मेरे लिए ठीक है। ये है मशरूम चिल्ली है ना, मशरूम चिल्ली मंगाए थे हम लोग। तो रेकमेंड करना चाहोगे ये मशरूम चिल्ली? हाँ हाँ, मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। ये जो क्या बोलते हैं, राहुल किला से जब मनहरपुर आते हैं ना, वो रास्ते में है ये नारायण ढाबा। आप लोग कभी अगर आएंगे तो ट्राई करिएगा, अच्छा लग रहा है। ट्राई करेंगे तो हम लोग को कमेंट करके बताइएगा क्या हम लोग वहाँ गए थे, क्योंकि इधर के हम लोग के सब्सक्राइबर्स भी बहुत हैं। तो अगर हो सके तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, या फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो आप लोग हम लोग को लंच करने के लिए अपने घर में इनवाइट करिएगा, भात दाल के साथ। इतना ही हम लोग काफ़ी है। तो ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग खाते हैं और एक दूसरे को तो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि खुद का तो हाथ है ना, भगवान दिया है। सो गाइस मैं सच्चाई आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा मेरा प्लेट, ये है रोशन का प्लेट, ये खत्म कर लिया और ये भी मेरा प्लेट भी टूट पड़ा है। मेरा बड़ा पेट है ना। हाँ, कि मेरे को थोड़ा सा ही मतलब उतना ही खाने मन किया और फिर नहीं किया। मेरा डिनर मजा नहीं आया? नहीं मजा तो आया, लेकिन पेट भर गया। तो जा तो फटाफट प्लेट धो के खा लिया। हाँ, प्लेट भी धोना है ना। पैसा कम लेगा सोच रहे ना, जब कुछ क्या प्लेट धोएंगे तो पैसा कम लेगा, तो ऐसे भी हो सकेगा तो ना। पहले पर्स चेक कर ले पैसा है कि नहीं, तो धोना पड़ेगा। सो गाइस अभी हम लोग खा लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। और ये खाई है 400 का, उससे अच्छा इधर हाड़ी मिल रहा है, उधर पिला दिया रहता 5-5 का, 5 चाना चखना के साथ। उसको क्या बोलते हैं, डुबा। एक डुबा 5 रुपया, अभी 10 हो गया। हम लोग जब कॉलेज में थे उस टाइम 5 मिलता था ना, और यहाँ पर वही अंडिया मिल रहा है देख सकते हो वहाँ पर। पर क्या करें, हम लोग 200 का खा, 400 का खा लिए, अभी वापस जाते हैं। देखा नहीं था ना उधर, नहीं तो मतलब इधर का पहले देखा नहीं था, नहीं तो इधर ही लेके जाते कि क्या 100 रुपए में हो जाता। 10 का चखना और एक एक डुबा मार देना। लॉस हो गया, नेक्स्ट टाइम देखिए गाइस, यही होता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, एंड आज का हम लोग का डेट खत्म हुआ, तारीख खत्म हुआ आज। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, एंड अभी हम लोग ये बोलते हैं इसको क्या, फटक कौन सा फटक है, बंडा मुंडा वाला फटक। हाँ, कुकड़ा गेट। तो हमारे इधर कुकड़ा गेट है, तो ट्रेन आ रहा है अभी। एंड गाइस देख सकते हो इधर ये ट्रेन बहुत चिल्ला के जा रहा है, पैसेंजर है नहीं, पैसेंजर नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी नहीं क्या, टेम्पो नहीं, वो जो धीरे धीरे जाता है उसको क्या गाड़ी बोलते हैं, सोगोड़ा गाड़ी।
तो ये है पैसेंजर और हम लोग वेट किए हैं। इसका नाम भी नहीं, क्या मतलब कहाँ जा रहा है ट्रेन? कहीं तो जा रहा होगा ना, मेट्रो ट्रेन जैसे है। मेट्रो ट्रेन जैसे दिख रहा है। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग और आज का डेट यहीं पर एंड करते हैं। ट्रेन भी चली गई हम लोग को छोड़ के, तो अभी पट्टा खुलेगा तब तक के लिए हम लोग निकलते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। हां, कितना बार ठीक है बोल रहे हैं, ठीक नहीं है गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग। डेट कैसे लगा? डेट अच्छा लगा। हंडिया डेट की कौन सा? अच्छा, वो हंडिया डेट, हंडिया डेट हम लोग देख के ही मत गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।